अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के तत्वावधान में मंगलवार को कार्यक्रम का आयोजन बैंक के प्रशासनिक कार्यालय पर किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एम्स के निदेशक डॉ. सुरेखा किशोर, रेडियो सिटी से आरजे प्रीति त्रिपाठी सहित अन्य महिलाओं को SBI के GDM PC बरोड ने प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर SBI के DGM PC बरोड ने सभी गणमान्य महिला अतिथियों सहित बैंक में कार्यरत महिला स्टाफ सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि हम सभी के लिए जीवनदायिनी महिलाओं का विशेष स्थान है और हमें यह समझना होगा कि महिला सशक्तिकरण से ही देश सशक्त बनेगा। वहीं एम्स के निदेशक डॉ. सुरेखा किशोर ने कहा कि यूं ही महिलाओं को जगत जननी नहीं कहा जाता, क्योंकि महिला में पुरुष स्वतः समाहित होता है तथा महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ही चलना चाहिए, तभी सही मायने में महिलाएं हर क्षेत्र में मुकम्मल जहां हासिल कर सकती हैं। इस अवसर पर बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मयंक शेखर ठाकुर, मनीष मठपाल, संजय कुमार जायसवाल, संदीप सिंह पवार, जितेंद्र कुमार, सहायक महाप्रबंधक प्रसून कुमार, विनोद कुमार, BP त्रिपाठी, संजय कालरा, अमित कुमार श्रीवास्तव के अलावा प्रशासनिक कार्यालय के सभी स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स के निदेशक डॉ. सुरेखा किशोर व SBI के DGM PC बरोड ने कहा, शक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही अपने सभी सहयोगियों कलीग्स का भी जिन्होंने यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नानी तो दुनिया की तस्वीर बदलती है। बहुत स्वागत है जी। इंटरनेशनल विमेंस डे 2021 के इस आयोजन पे मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। इनफैक्ट जो विमेंस डे का कंसेप्ट है वो समवेयर इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट और बहुत पहले से ये जो था वो कहीं ना कहीं था कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे कि हमारा जो आधा अंग है समाज का वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन तो एक रिकग्निशन मिले उनको, अगर हर हर वक्त हर पल हर रोज वो ना कर सके तो क्यों ना एक ऐसा दिन उनके लिए डेडिकेटेड हो जो हमें साल भर रिमाइंड करता रहे, साल भर हमें बताता रहे कि हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें कैसे नहीं रहना है। ये तो इस साल का जो थीम है एंड दैट इज चूज टू चैलेंज। और आज यहाँ हमने जिन जिन हस्तियों को बुलाया है, इससे पहले कि मैं फॉर्मल उनका इनविटेशन एक बार फिर से करूं, जो जो चैलेंज इज समथिंग विच वी ऑल शुड डू, वाई ओनली द विमेन, विच वी ऑल शुड डू। और आज जिनको हमने यहाँ बुलाया है, और मैं भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ आने की सहमति दी और हमें सम्मानित किया। मैं नहीं कहूँगा कि हम उनको सम्मानित करने के ऊपर बुलाए हैं। आज जो जो भी हस्तियाँ यहाँ आई हैं वो अपने अपने क्षेत्र में दे डिसाइडेड टू चैलेंज टैबूज, दे डिसाइडेड टू चैलेंज द बैरियर्स, और उन सब बैरियर से बाहर निकल के उन्होंने ये जो अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया उसके लिए। इफ आई रिकॉल अभी फरवरी 2020 में एक बुक आई थी रॉय बेनेट की। रॉय बेनेट इज अ वेरी फेमस राइटर, पॉजिटिव राइटर, और उसने जस्ट कोरोना स्टार्ट हुआ था और उनकी एक बुक आई थी दैट लाइट इन द हर्ट, लाइट इन द हार्ट, एंड ही रॉट डोंट बी पुश्ड अराउंड बाय द फियर्स इन योर माइंड।
don't be pushed around the fears in your minds. Rather, be led by the dreams in your hearts. Be led by the dreams in your heart. And I know, आज जो हमारे पास जो भी यहाँ आई हैं अपने अपने क्षेत्र में, उन्होंने डेफिनेटली जो माइंड में कहीं फियर होगा तो भी वो हटा दिया है और अपने अपने जो दिल में जो सपने थे उनको लेके आगे बढ़ी हैं और उन्होंने उसको पूरा किया है। इनका बर्ड्स रोज बर्ड्स और गिफ्ट द्वारा मिसेस शशिकला मिसेस गुड़िया मिसेस गंगा जली मिसेस लीलावती बहुत प्रणाम सर, और यहाँ उपस्थित सभी विदुषी मैम को मेरा प्रणाम नमन। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि ये जो महिलाओं का इतना बेहतरीन आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक छोटा सा शेर याद आ रहा है कि तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो ये और से अक्सर कर रही हैं, वो हमेशा भीड़ से अलग निकलने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए यहाँ पे इतने अलग 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 कार्य क्षेत्र से मैम लोग आई हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही एक चीज़ अगर हम ध्यान दें, निस्वार्थ भाव से कर्म करना, तो हमसे लोग बहुत ज़्यादा जुड़ सकते हैं और एक सम्मान हो सकता है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि हमें सेवा करना है, मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि सोशल वर्क करूँ, मेरा बहुत मन करता है दान करने का, पुण्य करने का, समय नहीं मिलता। पर एक्चुअल में देखा जाए तो बैंक जो है वो निरंतर सेवा करता रहता है, सही मायने में देखा जाए तो। वो कितने लोग आते हैं, फाइनेंशियली इश्यूज हैं या लोन लेना है या क्या करना है, तो सही मायने में जो सेवा करता है वो बैंक करता है। इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपका कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आरजे प्रीति त्रिपाठी जी, जिनकी अद्भुत आवाज ने कहा कि सबको ये गुड मॉर्निंग ही बोलती रहती है, तो मैं यहीं से शुरू करूंगी, गुड मॉर्निंग। और थैंक यू सो वेरी मच सर, और ये पूरी SBI टीम को, पूरे सेंट्रल बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी टीम को दिल से थैंक यू। क्योंकि पहले अगर देखा जाए गोरखपुर में, कुछ सालों पहले की ही बात के लिए, तो हम बैंक को सिर्फ एक बैंक ही समझते थे। SBI हमारे लिए बस एक बैंक था, जैसे कि हमेशा हम किसी भी बैंक में जा रहे हैं, हमें देखा जा रहा है। बट जब से सर का आना हुआ, सर का इतना ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ में या मोटिवेशन में या कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, तो मीडिया में किस तरह लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, ये चीज़ की जो शुरुआत हुई, ये बिल्कुल एक गैप जो मेंटेन कर रखा था सबने, ये नहीं आप कस्टमर हैं हम बैंकर हैं, ये जो बीच की खाई जो पट्टी है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच। और ये टाइम टू टाइम जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं हमें बताए जाते हैं। एंड नो डाउट, अभी आप बोल रही थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों नंबर वन है, तो वो इसीलिए नंबर वन है क्योंकि ये गैप भरते रहते हैं, और हमारे शहर में जो अभी नंबर वन नहीं था अब हो गया है। आज है मैं रूपी वाली हूँ, मुझको नाज है, जहाँ गुरुवर गोरखनाथ की अखंड जले ये धूनी है। आप गाइए। आज है मैं यू, मुझको नाज है, मैं यूपी वाला हूँ, मुझको नाज है।
सीरा जी ने ग्रामीण बच्चों को करके उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। वे आज भी उन्हें मानवीय संवेदना, मानवीय मजबूती देने का भी कार्य किया है। तो आपका सम्मान करते हुए हम भारतीय स्टेट बैंक के लोग यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, जनरल मैनेजर, एडीजीएम राजीव जी, साहू जी, एसबीआई से रिलेटेड संबंधित जितने भी कार्यकर्ता लोग, आप सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद अर्पण करती हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होके अपने कुछ विचार आपसे शेयर कर सकूं और एक गोरखपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूं। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा एम्स गोरखपुर जो था 2019 में शुरुआत हुई थी उसकी, और हमारे जोधपुर के डायरेक्टर सर देख रहे थे मुझे। यहाँ आए हुए तकरीबन 8 महीने हो गए हैं। कोरोना के चलते हमारा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का कार्य थोड़ा सा धीमी गति में रहा क्योंकि मजदूर नहीं थे उस समय, लेकिन आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे जितने डॉक्टर्स हैं अभी वो सब लोग ओपीडी की सर्विसेज पूरी दे रहे हैं, और हमारी ओपीडी की संख्या हर दिन की एवरेज जो है 2500 से 5000 तक की है। और हमको ये अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे तो सर्विसेज दे ही रहे हैं, साथ में हम फील्ड में भी जाके सर्विसेज देते हैं। हमने डुमरी खास गांव जो है वो अडॉप्ट किया है, और साथ ही साथ एक ट्राइबल एरिया है बनटांगिया जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के हृदय के काफ़ी करीब है। उस क्षेत्र में ट्राइबल जो जनजाति है वहाँ रहती है उनको हम स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे हैं, और साथ ही साथ शिवपुर का जो उनका सीएससी है दैट ऑल्सो वी हैव अडॉप्टेड, एंड वहाँ पे भी हम लोग सर्विस दे रहे हैं। और वहाँ पे भी आपको जान के खुशी होगी कि रोज़ के 200 से 300 मरीज हमें गांव के आते हैं जो अपनी सर्विसेज हमारे डॉक्टर से लेने, और इस तरह से हम लोग अपनी तरफ से कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल से शायद हमारा इंडोर भी शुरू हो जाएगा और आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कंसेप्ट आपको भाई साहब ने बता दिया है, बहुत अच्छा आप बोले हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से एंकरिंग की है। ये जो महिला दिवस मनाते हैं बेसिकली 2-3 चीज़ों के लिए है। एक तो समाज के हर वर्ग में जागरूकता फैलाना, ताकि महिलाएं जो हैं, जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के बारे में हम बात करते हैं, महिलाओं को भी एक वो जगह दें जो कि समाज में हम पुरुषों को देते हैं। भगवान ने दोनों को बराबर बनाया है। अगर हम एक हायर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, चेतना दो पार्ट से बनता है अगर आपको पता हो, एक पुरुष है एक प्रकृति है, और पुरुष जो है उसे कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सर शायद ये समझ पाएंगे क्योंकि हमारी इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। ईश्वर ने भी स्त्री को, अगर आप एक हमारे पुराने जो एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफ कहीं पे मिलेगी आपको अर्ध नारीश्वर की, जिसमें शिव जी को और पार्वती जी को आधा हाथा दर्शाया गया है। कहने का मतलब ये है एक इंसान पूरा तभी होता है जब उसके अंदर एक पुरुषत्व और एक नारीत्व दोनों का मिश्रण हो, और वो तभी होता है जब हम साथ में चलते हैं। उसी का नाम जिंदगी है, या उसी का नाम एक दुनिया है। आप हमारे प्रकृति में कुछ भी देख लीजिए, हमेशा दो चीज़ों से बना हुआ है। चाहे आप कुंडलनी की बात करें तो ईडा और पिंगला, सो एक सूर्य नाड़ी कहा जाती है और एक चंद्र नाड़ी। चंद्रमा और सूरज हर जगह पे, दिन रात,
Everywhere you will find dual things. That is female principle and male principle. And जब दोनों मिलते हैं तभी जाके एक पूर्ण तत्व बनता है. तो कहीं ना कहीं हम लोग शायद इस दौड़ भाग में कहीं पर नारी को वो महत्व देना भूल गए हैं. हम ये नहीं कहेंगे कि नारी जो है जो पूरा घर संभालती है एक बहुत अच्छी मैनेजर होती है. हम सबसे अच्छी मैनेजर सबसे बड़ी नारी होती है. हमारे यहाँ मैनेजमेंट में जब पढ़ाया जाता है आप देखेंगे इंस्टीट्यूट अहमदाबाद जो इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का वहाँ सबसे पहली चीज़ ये बताते हैं कि सबसे अच्छा मैनेजर जो होता है वो होती है घर की जो हाउसवाइफ होती है. आठ मार्च को जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और आज SBI बैंक की तरफ से ये कार्यक्रम हुआ जिसमें हमको सम्मानित किया गया और हमारे ही साथ चार पांच और महिलाएं थी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज का कार्य किया है और महिलाओं का भी उत्थान किया है. तो आज का दिवस जो है महिला जागरूकता का दिवस होना चाहिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी और विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए उनका जो लाइफ है. और हम आशा करते हैं कि हमारा समाज और हमारे जितने भी नेता स्टेक होल्डर सब मिल करके एक विमेन एम्पावरमेंट की बात करें जिससे कि हमारा देश जो हो सुरक्षित हो हमारा भविष्य सुरक्षित हो. हम लोगों के जैसे आप जानते हैं जो मैंने आप सबको पहले भी कहा है कि हमारा भारत का जो पुरातन जो हमारे जितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जितने भी भगवान हैं उसमें देखेंगे महिला प्रधान हुआ करता था हमारा समाज जिसमें सरस्वती देवी हैं लक्ष्मी देवी हैं दुर्गा हैं काली हैं. वो जो देवियां हैं जितनी वो फीमेल रूप में आपको हर तरह का आशीर्वाद देती थी. कोई पैसे का है लक्ष्मी का आशीर्वाद है किसी को विद्या का आशीर्वाद है और इस तरह से आप देखेंगे तो समाज में हमारे यहाँ हमेशा स्त्री को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया. लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने समाज में अपनी अविकसित सोच के कारण इस जो महिला को अपने साथ लेके चलने का जो एक हमारा संकल्प है कहीं पीछे छोड़ा है और कहीं ना कहीं हमारे से ये चूक हो गई है. तो हमारी जितनी भी उस समाज की उस तबके की महिलाएं हैं जो शायद कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रही तो आज का दिवस ये सारा जो है हम कहते हैं उन महिलाओं के लिए है जिनको हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं पुरुषों के साथ रखना चाहते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने विकास के लिए उनको प्रगतिशील बनाना चाहिए. महिलाओं के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाएं जो हैं गृहिणियाँ और महिलाएं वो एक शक्ति से भरपूर होती हैं और उनमें कोई भी कार्य करने की चाह भी होती है बस उनको एक थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए परिवार का सपोर्ट चाहिए अपने आपके साथ वाले लोगों का सपोर्ट किया अपने पति का अपने भाई का अपने पिता का. अगर उनका सपोर्ट होगा और आपके आस पड़ोस समाज का सपोर्ट होगा मेरे ख्याल में महिलाएं पुरुषों से कहीं बेहतर करके दिखाएंगी जो दिखा रही हैं. जी भारतीय स्टेट बैंक हमेशा से महिला दिवस बहुत धूमधाम से मनाता है और भारतीय स्टेट बैंक इसको आचरण में भी लेता है. हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हमारी कर्मचारी हैं उनके लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम रखते हैं और समाज में जिन महिलाओं ने अच्छा उदाहरण योग्य काम किया है इस दिन हम सम्मानित करते हैं उनको यहाँ पे बुला के हमारा एक धन्यवाद कहने का एक ये तरीका है. आज हमने 6 विभिन्न महिलाओं को जिन्होंने विभिन्न क्षेत्र में बहुत उदाहरणीय काम किया है उनको बुला के यहाँ पे सम्मानित किया है और ये हम हर साल करते हैं. और अगर मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करूँ तो भारतीय स्टेट बैंक में हमारे पास 25%
हमारी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो फीमेल हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कितने कितने सारी प्रिविलेजेस और किस तरीके से हम हमारे जो कर्मचारियों को रखते हैं। अगर मैं कस्टमर्स की साइड कहूँ तो हमारे 44 करोड़ जो अकाउंट्स हैं, 44 करोड़ अकाउंट हैं, उनमें से 17 करोड़ अकाउंट हमारे जो हैं वो महिलाओं के हैं। तो इससे भी समझ में आता है कि भारतीय स्टेट बैंक महिलाओं को प्रति कितना समर्पित है, उनको कितनी सेवाएं और सम्मान देता है।